हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लाउज का नाप लेकर ब्लाउज कटिंग करना बताऊंगी। तो ये हमारी ब्लाउज की नाप है, इसी से हमें ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो कैसे कटिंग करेंगे, तो चलिए मैं आपको सबसे आसान तरीका से ब्लाउज का नाप लेकर ब्लाउज कटिंग करना बताती हूँ। तो ये आपको भी परफेक्ट ब्लाउज का नाप ले लेंगे। तो ये हमने परफेक्ट नाप लिया, इसी से हमें इसकी कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना होगा, पहले इसे ओपन करेंगे और यहाँ से ये जो हमारी बाजू की लेस है इसे पहले खोलकर निकाल देंगे। ये देखिए, इसे हमने ये खोलकर निकाल दिया। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसे डबल फोल्ड करेंगे। ये देखिए, ये हमने इसे डबल फोल्ड किया और इसके बाद हम ब्लाउज का नाप लेंगे, लंबाई की, चेस्ट की और कमर की, और उसी के साइज से इसकी कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, इस ब्लाउज से सबसे पहले इसकी लंबाई की, लेंथ की, यानी कि नाप लेना है। तो फ्रेंड्स, कैसे नाप लेंगे, तो इसे इस तरह ये डबल फोल्ड करेंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इंची टेप से इसे नाप लेना है। तो फ्रेंड्स, इस ब्लाउज की जो लंबाई है वो है हमारा 15 इंच। ये देखिए 15 इंच, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 16 इंच लेंगे। तो फिर हम 16 इंच पे क्या करते हैं, इसका निशान लगाते हैं, क्योंकि हाफ इंच हमारी, ये देखिए, नीचे में जाएगी। ये हमारी हाफ इंच नीचे में जाएगी और हाफ इंच हमारा ऊपर में जाएगा। तो ये देखिए, ये हमने 16 इंच पे कंप्लीट, हमने ये 16 इंच पे ये निशान लगाया। ये 15 इंच है, तो ये हमने 16 इंच पे ये निशान लगा लिया। हाफ हाफ इंच हमारी ये दोनों साइड स्टिचिंग में जाएगी। अब इसकी हमें चेस्ट देखनी है। तो फ्रेंड्स, हम चेस्ट का नाप कैसे लेंगे, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ ये जो सेंटर है, ये सेंटर और ये सेंटर, ये दोनों सेंटर से पकड़ते हुए, तो ये हमारी चेस्ट की नाप है 10 इंच। ये देखिए 10 इंच, तो 10 इंच पे क्या करेंगे, इसका निशान लगाएंगे। तो पहले क्या करते हैं, शोल्डर नापेंगे, उसके बाद हमें चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो इसकी जो शोल्डर है वो हमारा है ये 10 इंच है कंप्लीट। तो हम, यानी कि 10 है तो हम उसका हाफ रखेंगे, ये 5 इंच रखेंगे। तो ये देखिए, ये हमने 5 इंच पे हमें क्या करना है, निशान। तो ये हमारी कंप्लीट 5 इंच है, तो हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये हमने 5.5 इंच पे निशान लगाया, यानी कि 5.5 इंच पे निशान लगाया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसकी आर्म होल की फिर साइज देखनी है। ये साइज, तो ये हमारा है, ये कट है, यहाँ से ये निशान, ये 6 इंच पे है। तो ये 6 इंच पे क्या करेंगे, ये निशान लगा लेंगे। ये देखिए, ये मैं 6 इंच पे एक निशान लगाया। अब ये जो हमारी है चेस्ट, वो हमारा 40 है, यानी कि 10 इंच है। तो उसका 10 पे हमने मार्क किया, तो हमने फिटिंग का मार्क किया। अब इसकी नीचे की कमर देखनी है, तो वो हमारा है, ये देखिए, ये हमारा 9 इंच है। तो 9.5 पे मार्किंग करेंगे, हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमारी टक्स में जाएगी। तो ये ने हाफ इंच एक्स्ट्रा ली, 9.5 पे ये मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से इसे मिलाएंगे, तो ये जो हमने मिलाया ये फिटिंग का मिलाया। अब ये हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया है। तो फिर आप मार्जिन के लिए लेंगे, कहे कि आपको ढीला और टाइट करने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए आप मार्जिन लेते हुए इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमने उल्टा साइड करके इसकी निशान लगाई है। अब चलते हैं इसकी, क्या करते हैं, ये नेक की साइज देख लेते हैं। तो नेक की साइज कैसे देखेंगे, तो फिर इस तरह से ये नेक इंची टेप रखेंगे। तो ये हमारी नेक की लंबाई है 10 इंच। तो 10 इंच पे हमें मार्क करना है, नेक हमें कट नहीं करना है, क्योंकि हमें इसमें कुछ डिजाइनिंग करनी है, तो नेक कटिंग नहीं करेंगे। तो ये हमने 10 इंच पे ये मार्किंग करेंगे। अब इसकी नेक की चौड़ाई देख लेंगे, तो वो हमारा है, ये देखिए, ये हमारा 5 इंच है, तो उसका हाफ करेंगे, तो 2.5 इंच, यानी कि 2.5 इंच होगा। तो हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया, ये नेक की, ये हमने 2.5 इंच पे ये निशान लगा लिया। अब यहां से क्या करेंगे, ये नीचे में हमें 3 इंच लेना है, हमने नीचे में 3 इंच लिया। अब यहां से इसे मिलाएंगे बॉक्स, हमने मिला लिया बॉक्स। अब यहाँ ये जो है हमें 6 इंच पे ये जो हमने निशान लगाया था, ये हमने आर्म होल का निशान लगाया यहाँ, फिर यहाँ, और ये हमें इसमें 1 इंच की गोलाई देंगे। ये देखिए, हमने 1 इंच का गोलाई दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये टक्स का निशान लगाएंगे। ये शोल्डर के बीच से, ये हमारा 10 इंच पे है, तो यानी कि 11 इंच पे निशान लगाएंगे शोल्डर के बीच से, क्योंकि हाफ इंच हमारी स्टिचिंग में जाएगी। तो ये हमने 11 इंच का ये निशान लगा लिया। ये अब चलते हैं इसकी कटिंग करते हैं। तो फिर नेक की कटिंग नहीं करेंगे, इस तरह से इसकी कटिंग करके हम निकाल लेते हैं, बिल्कुल इसी के बराबर, ये निशान के बराबर हमें कट कर लेना है। और यहाँ से एक कट का निशान लगाना है, और इधर साइड भी हम पहले टेकिंग का निशान लगा लेते हैं, ये दोनों साइड। ये देखिए, तो ये हमें टेकिंग के निशान लग गई। अब बिल्कुल इसी के बराबर कटिंग करके ये निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम कल चलते हैं इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ ऊपर
ये साड़ी को निशान पे ये कटिंग करके रेडी करते हैं। बैक वाले पार्ट की कटिंग करके रेडी करेंगे, उसके बाद फ्रंट वाला पार्ट कर। तो फ्रेंड्स ये हमने बैक वाले पार्ट की कटिंग कर ली। अब हमें इसमें नेक कटिंग नहीं करना है क्योंकि हमें इसमें डिजाइन करनी है। और ये जो हमारा लेस है तो ये हमारा इस तरह से लेस है, तो ये दो बाजू की ही है, इसमें दो इसमें बाजू का लगाएंगे। और ये जो लेस लगे बचेगा ये हमने पीछे की साइड ये लगा लेंगे। तो चलते इसे पहले कट कर लेते हैं ये लेस, और ये इसमें हमारी ये स्टिच हो जाएगी। अब इसी को रख करके क्या करते हैं, फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे इधर साइड से फोल्ड करके। तो फ्रेंड्स ये मैं इधर साइड से इसे फोल्ड करके फ्रंट वाले के ऊपर रख लिया। अब हमें क्या करना है, ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा कट करना है क्योंकि हमें ये बेल्ट वाली ब्लाउज बनानी है और ये हमें फ्रंट वाले साइड में हेमिंग भी करनी है। और ये बैक वाला साइड हमारा हेम नहीं होगा तो इसलिए हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही लिया था। और ये फ्रंट वाला हेम होगा उसके लिए हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया। अब हमने 1/2 इंच इधर साइड से एक्स्ट्रा लिया क्योंकि हमारी ये टक्स की निशान लगेगी। तो इधर साइड से कभी भी आप फ्रंट वाले की कटिंग करेंगे तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही कट करेंगे क्योंकि टक्स में आपकी स्टिचिंग में 1/2 इंच जाती है। अब इसी के बराबर ये हमने निशान लगाया, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं और ये नेक की हमारी ये चौड़ाई हो जाएगी। तो चलते ही इसे कट करके रेडी करते हैं। ये देखिए यहाँ से उसके बाद हम नेक की कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह इसकी कटिंग करके रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने कटिंग कर ली। अब हमें क्या करना है, नेक की कटिंग करनी है। तो वो कैसे करेंगे, तो इसे क्या करेंगे यहाँ से इसे ओपन करेंगे, ये इसे कट करके ओपन कर लेंगे बीच से। ये देखिए यहाँ से ये हमने इसे कट कर लिए। अब हमें नेक की साइज देखनी होगी, हमारी नेक की ये ब्लाउज की जो नेक की जो साइज है वो कितना है। तो इसी इंची टेप से क्या करेंगे, आप नेक का नाप लेंगे। देखिए यहाँ से तो ये हमारी नेक की साइज है 5.5 इंच यानी कि 5.5 इंच। तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, सॉरी 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 6 इंच पे हमें मार्किंग करेंगे। तो ये हमने 6 इंच एक्स्ट्रा लिया, इसकी मार्किंग कर ली। अब नीचे की ये चौड़ाई हम 2.5 इंच लेंगे और ये हमने ऊपर में भी 2.5 इंच लेना है क्योंकि हमें नेक की चौड़ाई 2.5 इंच ही रखनी है। और यहाँ से एक बॉक्स बनाएंगे। ये देखिए ये हमने बॉक्स बना लिया। अब इसमें क्या करना है, हमें गोल शेप दे देना है। तो ये हमने गोल शेप दे दिया। अब इसकी क्या करेंगे, कटिंग करके रेडी कर लेंगे। ये देखिए ये हमने कटिंग करके रेडी कर ली है। अब इसमें क्या करते हैं, हमें क्या करना है इसमें, अब यानी कि बेल्ट की कटिंग करनी है। तो बेल्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद इसमें टक्स का निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स हमें बेल्ट की कटिंग कैसे करनी है, तो इस ब्लाउज की साइज से हमें बेल्ट की कटिंग करनी होगी। तो इसे क्या करेंगे, यहाँ से ये सेंटर से ये जो हमारी ये बेल्ट की हमें लंबाई देखनी होगी। तो ये हमारी बेल्ट की लंबाई है यानी कि 4 इंच। ये देखिए ये कम्प्लीट हमारे बेल्ट का, ये देखिए ये लंबाई है 4 इंच। तो हमें क्या करना है, हेम छोड़ते हुए 1 इंच छोड़ते हुए हमें 4 इंच पे ये निशान लगाना है। तो ये हमने 4 इंच का निशान लगाया, ये हमारी हेम हो जाएगी। अब यहाँ वाली साइड को देखते हैं तो ये हमारी 3.5 इंच की है। तो यहाँ से 3.5 इंच पे ये निशान लगा लेंगे। अब इसमें क्या करते हैं, गोल शेप देंगे और बेल्ट की कटिंग करके निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह बेल्ट का शेप दे दिया। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए तो ये हमारी बेल्ट कटिंग हो गई। अभी हमें टक्स का निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जो हमारी ब्लाउज की जो टक्स का निशान है वो हमें कैसे लगाना होगा, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये हमारी बीच सेंटर से यहाँ से तो ये हमारी 3 इंच पे है। तो ये हम 3 इंच पे क्या करेंगे, एक निशान लगाएंगे ये, और इसकी लंबाई भी है हमारी 2.5 इंच। तो हमने 2.5 इंच का ये निशान लगाया ये इस तरह। और ये शोल्डर के बीच से, ये वाली टक्स शोल्डर के बीच से होती है जो कि हमारी 9.5 या 10 इंच है। तो यानी कि यहाँ से आप इस तरह से ये हमारी 2.5 इंच की ये भी टक्स है। ये शोल्डर के बीच से आप क्या करेंगे, बीच सेंटर से आप क्या करेंगे ये निशान लगा लेंगे इस तरह और इस तरह। और फिर हमें क्या करना है, यहाँ वाले तो ये हमें 2 इंच का डिस्टेंस देना है और फिर यहाँ वाले को भी 2 इंच का डिस्टेंस देना है। तो ये डिस्टेंस हमने दे दिया। अब यहाँ से ये टक्स का निशान लगाएंगे, फिर इधर साइड से ये टक्स का निशान लगा लेंगे। अब सेम इसी तरह से दूसरे साइड भी टक्स का निशान लगा करके रेडी कर लेंगे। तो फिर हमने दोनों साइड इधर साइड भी ये देखिए निशान बिल्कुल उसी के बराबर ये लगा लिए। तो ये हमारी फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई। अब बाजू की कटिंग करते हैं यानी कि स्लीव्स की। तो दोनों बाजू हमें एक ही साथ कट करना है। तो इस तरह से इसे हमने दोनों फोल्ड करेंगे और इसे फोल्ड करेंगे और बाजू की लंबाई देखेंगे हमें कितना लेना है, उसके बाद ये निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी ब्लाउज से बाजू की लंबाई ले लेते हैं। तो हमारी ब्लाउज की जो ये लंबाई है 5.5 इंच है। तो हम
फाइव इंच है तो हमें नीचे नहीं एक्स्ट्रा लेंगे तो हम सिक्स इंच में ये मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि हमारी हाफ इंच सिर्फ ऊपर में ही स्टिचिंग में जाएगी, क्योंकि ये नीचे में ये जो अपने कपड़े में इस तरह से फूड होती है वो है, तो हमें नीचे में कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ इसके ऊपर लैस को इसे डाल करके और स्टिच कर लेंगे। तो चलते ये हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर ये निशान लगा लिया। अब इसकी गोलाई देख लेते हैं, तो वो हमारा 6 इंच है, तो ये हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे फिटिंग की, और हमें मार्जिंग 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो हमने 8 इंच पे ये निशान लगा लिया, एक्स्ट्रा 2 इंच लिया। अब इसकी क्या करते हैं, यहाँ वाले सेंटर देख लेते हैं, तो ये हमारी है 2 इंच नीचे वाला सेंटर, तो ये हमने दो है तो हम 2.5 इंच लेते हैं, क्योंकि हाफ इंच हमारी स्टिचिंग में जाएगी। अब इसमें क्या करेंगे, अब गोल सेफ देंगे, ये देखिए इस तरह इसको मिला करके ये हमने गोल सेफ दे दिया। अब इसकी कटिंग करके रेडी कर लेते हैं, इसी निशान पे हमें कटिंग कर लेना है, ये देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग बाजू की कर ली। अब हमें आगे की तरफ से आप क्या करेंगे, कट कर लेंगे फ्रंट वाले साइड, हमें ये कट होती है हाफ इंच, ये हमने हाफ इंच कट कर लिया। अब ये हमारी लैस है, इसके ऊपर ये डाल करके ये हम स्टिच कर लेंगे। अब कांच की पट्टी और हुक की पट्टी और नेक की पट्टी इसमें कटिंग करते हैं। इधर साइड से हमें क्या करना है, ये फ्रंट वाला इसकी जो हमें कांच की पट्टी हुक की पट्टी की लंबाई रखनी है वो हमें 13 इंच लेनी है ये, और ये हम इसकी चौड़ाई लेंगे कांच की पट्टी के लिए 4 इंच, तो हमने 4 इंच पे ये निशान लगा लिया। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं इधर की साइड फिर इधर की साइड, तो ये हमारी कांच की पट्टी हो गई रेडी। अब हमें क्या करना है, इधर साइड से चलिए अब हम क्या करते हैं, हुक की पट्टी की कटिंग कर लेते हैं, ये देखिए इधर की साइड, तो वो हमें 2 इंच ये चौड़ी हुक की पट्टी कटिंग करनी है। अब इधर की साइड से हमें क्या करना है, इधर की साइड से नेक की पट्टी की कटिंग कर लेनी है, जो कि हमें उड़े पट्टियाँ कट करना है, ये देखिए तो इधर साइड से हम नेक की पट्टी, सिर्फ हमें फ्रंट वाले नेक की पट्टी कटिंग करनी है, क्योंकि बैक वाले में हमें डिजाइनिंग रहती है, तो बैक वाला नेक हमने कट नहीं किया है। तो ये देखिए इस तरह हमने उड़े पट्टियाँ, इसी में हमें फ्रंट वाले दोनों साइड ये नेक की पट्टी लग जाएगी, तो ये हमारी साड़ी कटिंग हो गई रेडी कम्प्लीट। तो फ्रेंड्स ये हमारा फ्रंट वाला हो गया, ये बेल्ट हो गई, और ये हमारा कांच की पट्टी नीचे, एक हमारा हुक की पट्टी, ये हमारा बैक वाला पार्ट हो गया, ये हमारी लैस हो गई, और ये हमारी बाजू, और ये बाजू की लैस, और ये हमारी नेक की पट्टी। तो हमें क्या करना है, नेक में डिजाइनिंग करनी है, इसलिए हमने नेक नहीं कट किया था। अगर आप नेक गोल बनाना चाहते हो तो इसमें गोल कटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने बहुत ही आसान तरीके से ब्लाउज का नाप लेकर ब्लाउज कटिंग करना बताया है। तो हमने इसी ब्लाउज का नाप लेकर के ये हमने अस्तर वाला, ये हमारी ब्लाउज थी, इसी अस्तर वाली ब्लाउज का नाप लेकर के कटिंग करना बताया है। तो फ्रेंड अगर आप इसमें लाइनिंग यानी कि अस्तर लगाना चाहते हैं, तो अगर आपको अस्तर लगानी हो तो बिल्कुल इसी के बराबर आप क्या करेंगे, इसको रख लेंगे और लाइनिंग की सेम टू सेम इसकी कटिंग करेंगे बिल्कुल आसान तरीका से। तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी आज की ये ब्लाउज का नाप लेकर ब्लाउज कटिंग करना, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।